पत्तल वाले राजमा चावल। एक गांव में गोवर्धन नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी थी गोमती। दोनों भगवान को बहुत मानते थे। दोनों हर रोज भगवान को पूजा करना नहीं भूलते थे। दोनों मिलकर एक ठेले में राजमा चावल बेचते थे। उनका बनाया हुआ राजमा चावल लोगों को बहुत पसंद आता था, इसीलिए लोग वहाँ ज्यादा मात्रा में आकर खाते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में और भी व्यंजनों के ठेले वहां लग गए, इसलिए इनका धंधा जरा कम पड़ गया। ये देखकर दोनों बहुत दुखी हुए। एक दिन गोवर्धन, गोमती ये क्या हो गया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम गुजारा कैसे करेंगे? इस धंधे को छोड़कर क्या हम मजदूरी कर लें? गोमती, आप चिंता ना करो जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि पहाड़ों पर जो माता देवी का मंदिर है उनके दर्शन करके आ जाएंगे तो हालत अपने आप सुधर जाएंगे। इस तरह दोनों मिलकर पहाड़ों वाली माता के दर्शन करके आए। जंगल के रास्ते घर वापस लौट रहे थे, तभी कन्ना नाम के चोर के पीछे पुलिस लगी हुई थी। वो भागता भागता जंगल में एक पेड़ के पीछे जा छुपा। उस पेड़ के नीचे एक स्वामी जी तपस कर रहे थे। पुलिस आई, यहाँ वहाँ नजर दौड़ाने के बाद वहाँ से चली गई। कन्ना ये सोच ही रहा था कि अब वो निकले वहाँ से, कि तभी उसकी नजर गोवर्धन और गोमती पर पड़ी और वो वहीं रुक गया। तभी गोवर्धन ने देखा कि एक सांप आया और उस स्वामी जी को डस कर वहाँ से चला गया। जहर असर करने लगा तो स्वामी जी जमीन पर फड़फड़ा रहे थे और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। ये देखकर गोवर्धन तुरंत गया, कुछ पत्ते तोड़कर लाया और उन्हें मसल कर उसका रस स्वामी जी के मुंह में डालने लगा। कुछ देर बाद स्वामी जी होश में आए और वो उठकर खड़े हो गए। ये सब कन्ना पेड़ के पीछे से देख रहा था। स्वामी जी, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारी परेशानी क्या है बताओ, मैं उसे दूर करूंगा। तब गोवर्धन ने अपने धंधे के बारे में बताया और दुखी होने लगा। तभी स्वामी जी ने हाथ घुमाया, उनके हाथों में एक बहुत बड़ा पत्ता आया। स्वामी जी, बेटा एक जादुई पत्ता है, तुम जो राजमा चावल बनाते हो उसे इस पत्ते में ही परोसो, यानी जो तुम राजमा चावल बनाते हो उसे एक कटोरी में लेकर इस पत्ते में डालो, फिर इस पत्ते से प्लेट में डालकर ग्राहकों को परोसना। इस पत्ते के कारण तुम्हारा राजमा चावल और स्वादिष्ट बनेगा और लोगों का जी करेगा कि वो बार बार आकर खाएं। अलग निरंजन कहकर आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। ये बात सुनकर कन्ना के चोर दिमाग में लालच जागा। गोवर्धन और गोमती जाने लगे तो कन्ना चुपचाप उनका पीछा करने लगा। अगले दिन से गोवर्धन वैसे ही करने लगा जैसे स्वामी जी ने कहा था। पहले राजमा चावल को उस पत्ते में डाला, फिर उस पत्ते से प्लेट में डालकर लोगों को परोसने लगा। उसे खाकर लोग दंग रह गए। कन्ना ये सब दूर से देख रहा था। एक आदमी, अरे वाह क्या स्वाद है गोवर्धन भाई, इससे पहले तुमने इतना स्वादिष्ट नहीं बनाया कभी, भाई कमाल है। दूसरा आदमी, भाई इतने दिन तुम्हारे ठेले के पास नहीं आए तो इतना बढ़िया स्वाद हमने मिस किया यार, भाई अब से तो हर रोज आया करूंगा। ये बात सुनकर गोवर्धन और गोमती मन ही मन में स्वामी जी को प्रणाम करने लगे। ये सब कन्ना देख रहा था और उसने मन ही मन सोचा, अच्छा तो स्वामी जी ने जो कहा था वो सच है, उस पत्ते में जादू है, अगर मैंने उसे चुराया तो बस पैसे ही पैसे मिलेंगे मुझे। ये सोचकर उस रात को वो गोवर्धन के घर गया और उस पत्ते को चुराया। वो दूसरे गांव गया और वहां उसने खाने का ठेला लगाया। उसने कई किस्म के व्यंजन पकाए। कन्ना, ये सब मैंने मिलावटी सामानों से बनाया है, तो क्या हुआ मैं इसे जादुई पत्ते में डालकर लोगों को परोसूंगा तो अपने आप स्वादिष्ट बन जाएगा। यूं सोचकर उसने आने वाले ग्राहकों को उस पत्ते में डालकर परोसने लगा। उस बेकार खाने को खाकर लोगों ने उसे थूक दिया और फेंक दिया। लोगों ने प्लेटों को उठा फेंका और कन्ना को खूब मारा। लोगों ने उसके ठेले का सर्वनाश कर दिया और वो जादुई पत्ता उड़ता हुआ सीधा गोवर्धन के पास गया। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए।